अब हम चाइनीज़ में ग्रीटिंग्स के बारे में सीखेंगे चाइनीज़ में हेलो को कहते हैं नी हाओ नी हाओ जैसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ये उनके सलाम करने का तरीका है लेकिन हमारे यहाँ जब हम सलाम करते हैं तो उसका जवाब होता है वालेकुम अस्सलाम यानी सलाम करने और जवाब देने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा फ़र्क होता है यानी हम दो लोगों पर सलामती भेजते हैं नी हाओ का मतलब है हेलो लेकिन इसका रिप्लाई भी हमेशा नी हाओ ही होता है हमेशा याद रखिएगा जब कोई आपको नी हाव कहे तो आप उसको रिप्लाई में नी हाव ही कहेंगे अब इस नी का मतलब क्या होता है नी का मतलब होता है यू यानी कि तुम और हाओ का मतलब होता है गुड अच्छे यानी इसका लफ्जी मतलब ये बना तुम अच्छे नी हाओ हेलो नी हाओ हेलो उसके बाद जब हम किसी से बातचीत मजीद बातचीत करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं आपका क्या हाल है आप कैसे हैं ठीक है यही पूछना भी बहुत आसान है चाइनीज में एक वर्ड होता है माँ ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सादा जुमले को सवालिया में तब्दील कर देता है माँ जब भी हमने कहा नी हाओ कहते हैं हेलो को अगर आप कहेंगे नी हाओ माँ नी हाओ माँ आप कैसे हैं नी हाओ माँ हाउ आर यू आप कैसे हैं इसका जवाब हम कैसे देंगे वा, मैं हन बहुत हाओ अच्छा हूँ वाह हन हाओ मैं ठीक हूँ वॉ हन हाओ आई एम फाइन मैं ठीक हूँ अब जब किसी ने आपसे पूछा है कि आप कैसे हैं आप अपने बारे में बताने के बाद उससे पूछेंगे आप कैसे हैं इसका बहुत आसान सा तरीका है नीना नीना यानी कि नी का मतलब हो गया तुम और इस ना का मतलब ये हुआ कि जो आपसे सवाल किया गया है आप उसी इंसान से वही सवाल रिपीट कर रहे हैं यानी कि पहले पर्सन ने आपसे पूछा था नी हाउ माँ इस नीना का मतलब यहाँ पे होगा नी हाउमा और तुम कैसे हो तो वो उसका आंसर ऐसे देगा वो मैं ये भी हन हाओ हन बहुत हाओ ठीक हूं वो ये हन हाओ मैं भी ठीक हूँ चलें एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं ठीक है नी हाओ नी हाओ का आंसर होगा नी हाओ सेकेंड क्वेश्चन होगा नी हाउमा आप कैसे हैं इसका आंसर होगा वन हाओ नीना और तुम व ये हन हाओ मैं भी ठीक हूँ चाइनीज करेक्टर्स लिखना नामुमकिन नहीं है वो देखने में मुश्किल ज़रूर है लेकिन उनको याद करने के कुछ तरीक़े हैं हर करेक्टर की कुछ लॉजिक है जैसे कि हम पहला करेक्टर देखते हैं नी नी आप जो देख रहे हैं दो रेडिकल आपको नज़र आ रहे हैं जो लेफ़्ट साइड पर रेडिकल है उसको कहते हैं रन यानी इंसान के लिए यूज़ होता है सेकेंड करेक्टर है हाओ हाउ में जो आपको रेडिकल radical, दो रेडिकल्स नज़र आ रहे हैं जो लेफ़्ट रेडिकल है वो है न्यू 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 कहते हैं फ़ीमेल को लड़की के लिए इस्तेमाल होता है ये रेडिकल और जो लेफ़्ट साइड पे रेडिकल नज़र आ रहा है वो है ज़ ज कहते हैं बच्चे को यानी अगर आप एक फ़ीमेल रेडिकल और एक रेडिकल जो बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है अगर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे इकट्ठा कर देंगे तो हाओ हाओ यानी गुड का करेक्टर बन जाएगा हमारा थर्ड करेक्टर है माँ माँ यानी के सादा जुमले को सवालिया में तब्दील करता है माँ इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है इस बॉक्स को कहते हैं खौ ख जिसका मतलब होता है मुंह यानी कि हमारा माउथ और जो राइट साइड पे आपको रेडिकल नजर आ रहा है वो है माँ माँ चाइनीज में घोड़े को कहते हैं माँ यानी एक खो का करेक्टर और एक माँ का कैरेक्टर मिलके एक और करेक्टर बनाते हैं उसको कहते हैं माँ क्वेश्चन वर्ड है माँ इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे। वॉ वॉ का कैरेक्टर इस्तेमाल होता है मैं मुझे के लिए मेरे के लिए हन हन के करेक्टर में आपको लेफ्ट साइड पे एक रेडिकल नज़र आएगा जिसमें तीन लाइनें हैं ये तीन लाइनें जो हैं ये दो खड़े हुए इंसानों को जाहिर करते हैं जिसको चाइनीज़ में कहते हैं श्वांगली रन यानी दो इंसान चाइनीज जबान में देखने को कहते हैं खान के ए एन खान और ये पे आती है टोन। इसके करेक्टर की एक लॉजिक है जब इंसान धूप में दे धूर देखता है तो वो अपना हाथ उठाकर आंखों पे रख लेता है इसके करैक्टर को अगर आप देखेंगे तो आपको एक हाथ और आंखों का करेक्टर कंबाइन नज़र आएगा यानी कि हाथ और आंखों का करेक्टर मिला हम खान का करेक्टर लिख सकते हैं खान का मतलब है देखना इसी तरह अगर आप चाइनीज़ जबान पढ़ते हैं चाइनीज़ करैक्टर लिखना सीखते हैं उनकी लॉजिक याद रखिए और उन करेक्टर्स को बार बार लिखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे नी हाओ नी हाउ मा वाहन हाओ नी ना व ये हन हाओ यानी ये बहुत आसान है इसको याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगले मॉड्यूल तक के लिए अल्लाह हाफिज चाइनीज़ जबान में अल्लाह हाफिज़ कहते हैं जय चन जय का मतलब होता है अगेन चियन का मतलब होता है मीट चियन फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज